सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज एक्टिवा का रिव्यू है, सबसे शानदार गाड़ी स्कूटी के अंदर आप ले सकते हो जो फिलहाल। बाकी अगर आपको लुकिंग देखनी है तो अभी चलते ही है, बाकी पूरी वीडियो को देखना ताकि मैं आपको प्राइस वाइज सब बता सकूं। सो अब चलते हैं एक्टिवा के ऊपर। तो भाई ऐसी कुछ लुकिंग है, ये कलर है ग्रे कलर और कुछ ही महीने पुरानी है, केवल 8 महीने पुरानी है। चल अच्छी खासी गई है, लेकिन 7000 किलोमीटर के आसपास चल गई है। मैं दिखा देता हूँ आपको मीटर में, 7132 किलोमीटर। बाकी लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, शानदार गाड़ी है। ऐसी गाड़ी कोई स्कूटी है ही नहीं। मैं खुद कई बार जुपिटर चला रखा हूँ, लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं जो एक्टिवा के अंदर। ऐसी रफनेस, इसको आप कितना ही अच्छे से इस्तेमाल करो उसमें कुछ नहीं जाने वाला। और भाई ने भी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है एग्जैक्टली। चलो स्पेसिफिक चलते हैं। तो ये आगे वाला टायर है, इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, जो पहले इससे जितने भी पहले मोटर आते थे ना उसके अंदर आपको केवल वो वाले सस्पेंशन मिलते ट्राइंगल टाइप के, लेकिन इसमें ये है तो सस्पेंशन अच्छा है। टायर का साइज़ है 90 12 12 इंच का। ये अलॉय नहीं है, इसमें अलॉय होते तो और भी अच्छा लगता क्योंकि कंपनी अच्छा खासा चार्ज करती है। ये एक रिफ्लेक्टर है इस साइड, उस साइड भी रिफ्लेक्टर। यहाँ पे गार्ड मिल जाएंगे जो आपको एसेसरीज के अंदर मिलेंगे, कुछ 3-4 हज़ार की एसेसरी है इसके अंदर। बाकी ये पीछे वाला टायर है, और पीछे वाले टायर का जो सेक्शन है वो है 90 112। पीछे वाला टायर थोड़ा छोटा है, आगे वाला अच्छा है। इसके अंदर आपको मिलेगा 109 cc का 7.8 bhp अराउंड 8000 rpm, और जिसके अंदर टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 5250 rpm पे। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। मैं जानता हूँ कि इसी पावर को काफ़ी लो कर दिया गया है इसकी इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए, माइलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पावर ओरिएंटेड स्कूटर्स आ गए हैं। तो इसकी चलो अच्छा है वो भी, लेकिन ये थोड़ी आपको स्लो फील होगी, टॉप एंड में थोड़ा स्ट्रगल करेगी, लेकिन वैसे बाइक काफ़ी मतलब स्कूटी काफ़ी अच्छी है। साइड में आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा फीमेल्स के लिए, एंड ये एसेसरीज़ है। ये मॉडल है 6GHET होंडा की टेक्नोलॉजी, BS6 न्यू एक्टिवा का लोगो यहाँ पे। पीछे ये है बल्ब, टेल लाइट एंड इंडिकेटर, और ये सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है, कंफर्टेबल, कुशन अच्छा है। और अभी सीट के अंदर भी चलेंगे। बाकी आगे से आप देख सकते हो आपको ये हेलोजन बल्ब मिल जाएंगे दोनों साइड, और सामने ये LED लुकिंग अच्छी है। इसको एक बार ऑन करते हो, देखते हैं कि इसका DRL किस तरीके से वर्क करता है। तो इस तरह को DRL इसके अच्छी लुकिंग है, सिंपल सोवर गाड़ी है, ज़्यादा कुछ लुकिंग में है नहीं। बाकी इसका कंसोल मीटर कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको स्पीड इंडिकेटर है, FI फ्यूल इंजेक्टेड है ताकि इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी हो सके, एंड पेट्रोल इंडिकेटर है। वैसे काफ़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देती है इंडिकेटर, एंड हाई बीम लो बीम इंजन माल फंक्शन। तो वैसे तो बेसिक फंक्शन है, लेकिन जो इसका कॉम्पिटिशन है जुपिटर वो ज़्यादा अच्छा इसके मामले में स्कोर करता है, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में होंडा का कोई मुकाबला नहीं है। बेस्ट गाड़ी है, जुपिटर को इन दी एंड ये बीट करती है रिलायबिलिटी के मामले में। ये आपको फुटरेस्ट मिल जाएंगे, वही सेम फुटरेस्ट है जो आपको एक्टिवा 3G 5G सबके अंदर, ये सेम फुटरेस्ट मिलेगा आपको रबर से। एंड देन मेन स्टैंड, इसमें मेन स्टैंड है, यहाँ पे आपको किक दिख रही है, किक भी दे रखी है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है। और जो आगे आप रूम देख रहे हो, देखो रूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले जो एक्टिवा आती थी उसमें इतना रूम आता था कि आप एक सिलेंडर रख के तक ले जा सकते हो। और टफनेस की बात करें तो इसका जो हुक है ना वो कहीं नहीं जाता, इतना पावरफुल है कि आप एक दो इंसान भी अगर लटका दोगे ना तब भी ये हुक कहीं नहीं जाएगा। पहले यहाँ ये रहा, इसको प्लास्टिक का कर दिया, वरना पहले ये मेटल का आता था, यहाँ पे भी एक हुक है। एंड देन ये रहा इसकी की, इसी की कुछ ऐसी मिल जाएगी ये लॉक करने के लिए, एंड देन लॉक फ्यूल एंड सीट। तो अब इसकी सीट देखते हैं और इसका बूट स्पेस देखते हैं। तो इसकी सीट को ओपन करते हैं, ऑन में नहीं होगी, थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा, देन प्रेस, और ये सी सीट अनलॉक हो गई है। तो ये बैंडेड मिल जाएगी आपको, इसके अंदर आपको कागज़ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, और ये कुछ सीट रूम है, जैसा सीट का रूम है वो अच्छा है, कोई LED वेलीडी अंदर बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन जो सीट कारों में आप एक नॉर्मल फुल फेस हेलमेट रख सकते हो, अगर थोड़ा बड़ा है तो वो नहीं आएगा। तो ये सीट की बात हो गई, सीट अच्छी है, कवर ववर अच्छा लगा रखा है भाई ने, एंड देन फ्यूल। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो जुपिटर के अंदर स्टार्टिंग से आ रही थी, उतनी जरूरत नहीं पड़ती। फ्यूल कैप यहीं से खुल जाती है, आप यहीं से इसको खोल सकते हो। तो ये कुछ फ्यूल कैप है, आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कुछ बस उतरना है ही नहीं। पीछे से कुछ ऐसा टेल सेक्शन देखता है, ऐसा रिफ्लेक्टर एक, और ये इसका साइलेंसर है, इसका जो इंजन है वो एयर कूल्ड है। तो एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नॉब सुना देता हूं आपको कि किस तरीके से ये साउंड एंड पावर प्रोड्यूस करता है। तो अब इसका एग्जॉस्ट नॉब सुन लेते हैं। तो भाई काफ़ी साइलेंट गाड़ी है ये, कब चालू हुई कब पता भी नहीं चला। देखो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, पहले एक्टिव आती थी वो यहाँ से खुड़खुड़ खुड़खुड़ खुड़खुड़, हमारे पास 3G है तो वो खुड़खुड़ यहाँ से चालू कर देती थी। तो स्विचेस की क्वालिटी कर लेते हैं। देखो स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी कर दी गई है, ये हाई बीम लो बीम पास यहीं पर पास मिल जाएगा आपको। इंडिकेटर हॉर्न, हॉर्न भी सुनाई देते हैं एक बार, ऐसा कुछ हॉर्न है यहाँ पर आपको। इंजन किल स्विच ऑन एंड ऑफ, तो भाई ये बाइकों में आता है आजकल, एक्टिवा में आने लग गया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखो होंडा प्रोग्रेस कर रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं दे रही, लेकिन हाँ रिलायबिलिटी के मामले में ये बेस्ट है, ऐसा कोई तोड़ है ही नहीं रिलायबिलिटी के मामले में होंडा की। बैजिंग नंबर एंड, अब एक काम करते हैं इसकी बाकी परफॉर्मेंस के लिए इसको थोड़ा राइड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है। तो इट्स टाइम टू राइड द बाइक, चाबी को करते हैं ऑन, बाकी सब ये इसको करते हैं ऑन, और सेल्फ यहीं पे है। तो ओह काफ़ी साइलेंट है, तो थोड़ा सा राउंड लगाएंगे एक ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए चला के। पास बटन, इंजन की क्वालिटी, स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, रिलायबल इंजन है, तो इसको थोड़ा सा रन करते हैं। तो ये हियर वी गो, दी एक्टिवा 6G न्यू मॉडल, एंड ये डिलक्स एडिशन नहीं है, नॉर्मल एडिशन है। तो ये कुछ मीटर बॉक्स है, और सबसे पहली चीज़ ब्रेक अच्छे हैं। देखो एक्टिवा में ब्रेक अच्छे आते हैं, और आगे वाला फंक्शन, जो आगे वाला ब्रेक है वो अच्छा फंक्शन कर रहा है, इजीली ब्रेकिंग अच्छी है। और एक काम करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा, मतलब यहाँ से लेते हैं टर्न और थोड़ा इसको वो करते हैं, मिरर्स की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो मिरर्स की क्वालिटी है वो अच्छी है, गुड इनफ, व्यू अच्छा प्रोवाइड कर रही है पीछे का, और कोई दिक्कत नहीं है। वाइब्रेशन भी नहीं हो रही है एक्टिवा के अंदर इतनी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा कर दिया है। देखो इम्प्रूवमेंट है एक्टिवा के अंदर, एक्टिवा का लोगो, कॉशन, वहाँ पे कितना वेट लिमिट है क्या है, एंड देन लेट्स गिव इट ए ट्राई। यहाँ पे करते बाइक को खड़ा, मतलब एक्टिवा को, एंड पुल इसका देखते हैं कि पिकअप कितना अच्छा है। सो 1, 2 एंड हियर वी गो। पिकअप थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है, ब्रेकिंग अच्छी है, पिकअप थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है। अगर हाँ इसको अगर आप चलाओगे थोड़ा रन वन करोगे ना तो मोस्टली ये अच्छे से खुल जाएगी, लेकिन हाँ देखो पुरानी वाली एक्टिवा में रो पावर थी, इसके अंदर थोड़ा सा पावर में आपको लॉस महसूस होगा ही होगा। तो अब एक काम करते हैं, भाई की गाड़ी है, इसमें डाल दे पेट्रोल एंड देन वी गो, एंड वापस आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से लेते हैं राइट, एंड स्मूथनेस भाई, वाइब्रेशन आई नहीं रही है, इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो गया है एक्टिवा का, पहले जैसे खड़खड़ खड़खड़ नहीं है, और ब्रेक काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो आगे वाली ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, पीछे वाली ब्रेक भी अच्छी है, आगे आपको कॉम्बी ब्रेक मिल जाएगी और पीछे नॉर्मल। तो ये स्टार्टिंग से एक्टिवा के अंदर फीचर है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है इतनी ज़्यादा एज सच। अब मैंने लगभग सारी चीज़ बता दी है राइड क्वालिटी के बारे में, सीट अच्छी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब चलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं।